वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं दुलार चंदास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आप देख पा रहे हैं ये चैप्टर 3 है, क्लास 3 की हिंदी बुक है और इस चैप्टर का नाम है परीक्षा। ये महाभारत की एक छोटी सी कहानी है जहाँ पे गुरु द्रोण अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे हैं। उनके शिष्य कौरव और पांडव दोनों ही थे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में कौन सी कहानी दी हुई है। व्यास जी ने महाभारत नामक महाकाव्य लिखा है। महाभारत की रचना व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने किया है। उन्होंने महाभारत में कौरवों और पांडवों के जीवन का वर्णन किया है। जी हाँ बच्चों, आप लोग जानते हैं कि महाभारत में कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई हुआ था, उसी के बारे में महाभारत में लिखा गया है। कहा जाता है कि द्वापर युग में हस्तिनापुर नाम का राज्य था। शायद हस्तिनापुर मेरठ के आसपास था। उस समय हस्तिनापुर नाम का जो राज्य था ऐसा माना जाता है कि मेरठ के आसपास ही था। पांडवों के पिता पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे थे। तो पांडु जो थे, पांडवों के पिता थे और वो किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र राजा बन गए और सिंहासन पर बैठे थे। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। धृतराष्ट्र जो राजा था, उनके जितने भी पुत्र थे वो सारे कौरव कहलाए। कौरव और पांडव छोटे थे। वे सभी जिस समय छोटे थे उस समय की ये बात है। गुरु द्रोण उन्हें शिक्षा देते थे। उनके गुरुजी द्रोणाचार्य जो थे उनको शिक्षा देते थे। आचार्य कृप ने बचपन में ही शिक्षा दी थी। जब उससे भी ज़्यादा छोटे हुए थे तो आचार्य कृप जो थे वो उन लोगों को शिक्षा दिए। द्रोणाचार्य शस्त्रों की शिक्षा दे रहे थे। वे शस्त्र मतलब होते हैं हथियार कैसे चलाना है, इसकी शिक्षा द्रोणाचार्य दे रहे थे। कुछ दिनों के बाद गुरु द्रोण ने राजकुमारों की परीक्षा लेने का विचार किया। जैसा कि हम लोग पढ़ाई करते हैं या खेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बीच बीच में हम लोगों की परीक्षा चलती है, उसे हम लोग को देना पड़ता है। इसी प्रकार राजकुमार जो शस्त्र की विद्या सीख रहे थे उसकी परीक्षा लेने के लिए उनको गुरु ने सोचा। पास के उपवन में उन्होंने एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बनाकर रख दिया। आसपास में जो जंगल थे उसके एक पेड़ में एक चिड़िया बनाकर उसके डाली पर रख दिया। उसमें चिड़िया नीले रंग की थी परंतु उसकी आँखें सफ़ेद थी। वो चिड़िया बनाया हुआ चिड़िया था, असली चिड़िया नहीं था। और वो नीले कलर का चिड़िया था, उसकी आँखें सफ़ेद थी, वाइट कलर की। कुछ दूर पर सभी राजकुमार अर्थात 105 कुमार खड़े थे। 105 का मतलब आप समझ सकते हैं कि कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, तो सभी को मिलाकर 105 हुए। तो सभी राजकुमार वहाँ खड़े थे, उन्होंने घोषणा की। उन्होंने उन लोगों को बतलाया वृक्ष की शाखा पर कि चिड़िया की बाई आँख की पुतली को बाण से भेदना है। जो लक्ष्य भेद सकेगा वही परीक्षा में सफल होगा। उन्होंने बतलाया कि वो जो चिड़िया रखी हुई है उसकी बाई आँख की पुतली को बाण से मारना है या तीर से मारना है उसे, और जो मार सकेगा, जो सही निशाना लगा सकेगा वही सफल कहलाएगा, वही सफल होगा। सभी के मन में हलचल होने लगी। सभी मन ही मन निशाना लगाने लगे। गुरु द्रोण ने बारी बारी से सबको बुलाना आरंभ किया। सभी लोगों के मन में हलचल होने लगी। परीक्षा के दौरान हम लोग भी जब परीक्षा की बात सुनते हैं तो हमें हमारे मन में उथल पुथल होने लगती है, तो उन लोगों के मन में भी इसी प्रकार होने लगा और सब ने मन ही मन निशाना लगाना शुरू कर दिया। सभी को एक एक करके बुलाया गया। सबसे पहले पांडवों में बड़े युधिष्ठिर आए। पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे इसीलिए उनको बुलाया गया। युधिष्ठिर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। गुरु ने पूछा पहले यह बताओ कि अपने सामने क्या क्या देख रहे हो। युधिष्ठिर आने के बाद गुरु द्रोण उनको पूछते हैं कि बताओ कि अपने सामने तुम क्या देख रहे हो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया मैं अपने सामने वृक्ष उसकी शाखा पर बैठी चिड़िया को देख रहा हूँ। जब युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मैं सामने में एक पेड़ और उस पर बैठी हुई चिड़िया देख रहा हूँ, तो द्रोणाचार्य ने पुनः पूछा क्या ये राजकुमार भी दिखाई पड़ रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा हाँ वे भी दिखाई पड़ रहे हैं। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को लक्ष्य भेदने से मना कर दिया, तो उन्हें वो वापस लौटा दिए। बोले कि आपको जो है लक्ष्य भेदने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कौरवों में बड़े दुर्योधन या सुयोधन आए। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन थे तो उसको बुलाया गया। गुरुजी ने यही प्रश्न उनसे भी किया, उसने भी ऐसा ही उत्तर दिया। सभी को वही प्रश्न पूछा जा रहा था
और सभी उसी प्रकार के जवाब दे रहे थे। सुयोधन को भी हटाना पड़ा, गुरुजी ने उन्हें भी मना कर दिया। इसी तरह सभी के जवाब हुए, सबको लक्ष्य भेदने से हटना पड़ा। सभी इसी तरह का जवाब दे रहे थे कि हमें पेड़ दिख रहा है, उस पर एक चिड़िया दिख रहा है, राजकुमार भी दिख रहे हैं। तो इस तरह के जो जवाब दे रहे थे उन सभी को लक्ष्य भेदने से गुरुजी ने मना कर दिया। अंत में तेजस्वी छात्र अर्जुन की बारी आई। अर्जुन बड़ा ही तेजस्वी और तेज छात्र था, उसकी बारी आई। अर्जुन पांच पांडवों में तीसरा था, पांचों भाई में वह तीसरे नंबर में आता था। वह धनुष बाण लिए गुरु के पास आ गया। जब उसकी बारी आई तो अपना वह धनुष और बाण लेकर गुरुजी के पास आ गया। धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़ा हो गया, वो अपने पोजीशन में आ गया। आचार्य ने पूछा, तब गुरुजी उनसे पूछते हैं, अर्जुन सामने क्या क्या देख रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे केवल चिड़िया की बाई आँख की पुतली दिखाई दे रही है। अर्जुन ने गुरुजी से कहा कि मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ चिड़िया की बाई आँख की पुतली दिखाई दे रही है। और क्या देख रहे हो? गुरुजी ने फिर उनसे पूछा। केवल सफ़ेद पुतली देख रहा हूँ। अर्जुन फिर से बोलता है कि मुझे तो सिर्फ केवल वो व्हाइट कलर की उसकी पुतली जो है, आँख की पुतली, वही मुझे दिख रहा है। गुरु द्रोण यह सुनकर प्रसन्न हुए। गुरु द्रोण खुश हो गए यह सुनकर, वे बोले, एकदम ठीक अर्जुन, बाण चलाओ। बोला कि तुम बिल्कुल सही देख रहे हो, अब तुम जो है बाण चला दो। अर्जुन ने बाण चलाया, चिड़िया की आँख की पुतली बिंध गई, निशाना अचूक था। और अर्जुन ने बाण चलाया और उसका निशाना सही जगह पर लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने शुभाशीष देते हुए कहा, केवल लक्ष्य पर ध्यान रखने से विद्यार्थी सफल होता है, वही जीवन में भी सफल हो पाता है। तो गुरु जी ने यह बहुत बड़ी बात बतलाई उन लोगों को कि हमें जो कुछ भी करना है वह हमें अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हम असफल हो सकते हैं। और हमें सफल होने के लिए जीवन में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखना है। कौरवों के मुख पीले पड़ गए। कौरव अर्जुन को सफल होते हुए देखकर उनके मुख पीले पड़ गए, वे उदास हो गए। तो इस तरह से यह कहानी समाप्त हो जाती है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या प्रश्न दिए हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, और तीन नंबर में ये संज्ञा विशेषण के शब्द चुनने के लिए बोला गया है। चार नंबर में इसके विपरीत अर्थ वाले शब्द मतलब उल्टा शब्द लिखने के लिए कहा गया है। पाँच नंबर में इस पाठ से संबंधित प्रश्न दिया गया है। आइए मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बना के दिखाता हूँ। ये है चैप्टर 3 परीक्षा की प्रश्न उत्तर। वन नंबर में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें, खाली स्थानों को भरने के लिए दिया गया था, ये उसके उत्तर हैं, आप यहाँ से उसको भर सकते हैं। और उल्टे शब्द जो बनाने के लिए दिया गया था, विपरीत अर्थ वाले शब्द, तो यहाँ पे दिया गया है सामने, दूर, बाद में, पहले, इस तरह से आप इसको देख के बना सकते हैं। और फाइव नंबर में जो प्रश्न का उत्तर जो मांगा जा रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है महाभारत को किसने लिखा है, महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। महाभारत में किसका वर्णन है, महाभारत में कौरवों और पांडवों का वर्णन है। गुरु द्रोण किनके गुरु थे, गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य ने किस प्रकार परीक्षा ली, द्रोणाचार्य ने वृक्ष की शाखा पर चिड़िया की बाई आँख की पुतली को भेदने की परीक्षा ली। परीक्षा में कौन सफल हुआ, परीक्षा में अर्जुन सफल हुआ। यहाँ पे चैप्टर 3 पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें, और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग अगली चैप्टर को पढ़ने के लिए अगली वीडियो में चलते हैं।